आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 9.1 के सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। उन्नयन कोण क्या होता है भाई? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानना होगा। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण, जब हम किसी मीनार या टावर और नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम किसी मीनार या टावर पर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या बनता है? तो देखते हैं तो हमारे आँख और जैसे मान लीजिए ये टावर है, यहाँ पर हमारा आँख है, नेत्र है, ठीक है, ये ए बी टावर है और सी हमारी आँख है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस मीनार या टावर और ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे आँख और इस क्षैतिज रेखा के बीच, ये काल्पनिक रेखा के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है, उन्नयन कोण यहाँ बनता है, उन्नयन कोण। तो जब भी उन्नयन कोण बनेगा तो हमें सर को ऊपर की ओर झुकाना उठाना पड़ेगा, ठीक है, सर को ऊपर की ओर उन्नयन कोण देखने के लिए, उन्नयन कोण बनाने के लिए सर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, यानी कि इसमें यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। और क्या होता है, जब कोई लड़का टावर पर बैठ जाए तो इसको हम कहते हैं, ये आँख और टावर के बीच की दूरी को इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, ये काल्पनिक रेखा होता है, मतलब ये कल्पना कर सकते हैं, हमारे आँख और टावर के बीच जो रेखा बनेगा वो क्या होगा, काल्पनिक रेखा या दृष्टि रेखा, ठीक है, तो इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं या काल्पनिक रेखा बोलते हैं। तो उन्नयन कोण, जब भी उन्नयन कोण कब बनेगा, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखना हो तो उन्नयन कोण बनेगा, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, याद रखना है, ध्यान रखना है, उन्नयन कोण जब भी बात करें तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें सर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। जब हम शिखर पर देखते हैं, जब हम जमीन से किसी शिखर पर देखते हैं, टावर पर देखते हैं तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण, वृक्ष पर देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। अवनमन कोण यानी उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें सर को उन्नयन कोण बनाने के लिए हमें अपने सर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, यानी बिना सर को ऊपर उठाए उन्नयन कोण नहीं बन पाएगा, उठाना पड़ता है, क्लियर। यानी कि यहाँ पर हमने अभी दिखाया, यहाँ ये भी क्या है, कोई मीनार है, इसको हम मीनार कह सकते हैं या खंभा कह सकते हैं या टावर कह सकते हैं, टावर है, ठीक है, और यहाँ हमारी आँख है, तो ये क्षैतिज रेखा, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा और ये हो जाएगा हमारी दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा
इसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ये हो जाएगा हमारा उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ थीटा बराबर का हो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है, ये उन्नयन कोण बनता है, क्लियर। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा, ये समकोण बनाएगा 90 डिग्री। तो ये समझना जरूरी है, इस हाइट एंड डिस्टेंस में हमें दो ही बातें ध्यान रखना है, क्या क्या, अतोनयन कोण और नमन कोण। ये जिसको समझ में आ जाएगा आसानी से क्वेश्चन बना लेगा। अतिकोणमिति का सारा खेल होता है समकोण त्रिभुज पर। अगर हमें समकोण त्रिभुज मालूम है तो समझ लीजिए हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज मालूम होना चाहिए और पाइथागोरियन त्रिक भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, अब हम जानेंगे और नमन कोण के बारे में। और नमन कोण, और नमन कोण किसे कहते हैं, तो जब जब कोई व्यक्ति अनमन कोण, और नमन कोण, और नमन कोण कब बनता है, तो जब हम किसी टावर या मीनार या खंभा पर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आँख पर जो कोण बनता है, यानी जो कोण बनता है वह वस्तु दृष्टि रेखा और हमारे आँख की क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण, उसे अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। अर्थात अवनमन कोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सर को झुकाना पड़ेगा। जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमारे आँख के क्षैतिज रेखा, यानी ये दृष्टि क्षैतिज रेखा और जिस वस्तु को हम देख रहे होते हैं उसके बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। जैसे कि यहाँ अगर आँख है